हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज देखिए, मैंने बनाए थे गोभी के पराठे और आज आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ एकदम बढ़िया वाले गोभी के भरवा वाले पराठे कि कितनी अच्छे से मैंने इसमें बहुत अच्छे से फीलिंग को भरा है। मैं आपको दिखाऊंगी ट्रिक एक बहुत बढ़िया। तो देखिए, मैंने एक फूल गोभी ले ली है और एक लिया है बाउल, साथ में लिया है कद्दूकस। और इस गोभी के जो साइड के जो डंठल होते हैं ना, इसे हमें क्या करना है, इसे हटा देना है। तो ये बहुत ही इजीली हाथ से ही निकल जाते हैं। बस आपको इसे बैक की तरफ मोड़ना है और इस तरीके से देखिए, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ सेम उसी तरीके से आपको इसे इस तरीके से निकाल लेना है। ये देखिए, ये सारे ही डंठल निकल चुके हैं। अब हमें गोभी को करना है ग्रेट। और आज के पराठे ना एकदम बैचलर वाले होने वाले हैं। पहले जब मैं छोटी थी तो मैं भी इस तरीके, मतलब मैं भी गोभी के पराठे नहीं बना पाती थी। और अभी मेरे को पता है कि इस तरीके से बनाने से ना गोभी के पराठों की फीलिंग बहुत भर भर के कर सकते हो और एक भी पराठा आपका फटेगा नहीं और एक भी बाहर फीलिंग नहीं होगी। तो बहुत अच्छा है एक ये जो ट्रिक है, इस तरीके से बनाना चाहिए। तो देखिए, इस तरीके से हमें एकदम बारीक गोभी को ग्रेट करना है, जिस तरीके से मैं आपको करके बता रही हूँ। तो हमें ऐसे ही इसको ग्रेट कर लेना है अच्छे से। और ये देखिए, बातों ही बातों में मेरी गोभी हो गई है अच्छे से ग्रेट। गोभी के पराठों में ना आपको गोभी में ना नमक पहले नहीं डालना है गोभी के अंदर, क्योंकि वो पानी छोड़ने लगती है और फिर वो आटे से बाहर आने लगेगी। इसलिए गोभी को कद्दूकस करके हमें साइड में रख देना है और हमें तब तक के लिए पहले बनाना है आटे का डो, जिसके लिए मैंने एक बाउल लिया है और इसमें डालूंगी मैं आटा। मैंने 2 बाउल आटा लिया है। आपको जितने पराठे बनाने हैं आप उसके अकॉर्डिंग आटा लगा सकते हैं। इसमें थोड़ा सा नमक और साथ में डाल दिया है ऑयल। ऑयल मैंने इसलिए डाला है क्योंकि जब पराठों को सेकती हूँ तो उसमें ना एक क्रंच वाला एकदम मतलब टेस्ट आता है बहुत ही बढ़िया। तो उसके लिए मैं पराठों में हमेशा आटा लगाते वक्त थोड़ा सा ऑयल डाल देती हूँ कि एकदम वो करारा वाला जो टेस्ट आता है पराठों में, तो बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे सॉफ्ट पराठे नहीं पसंद है ज़्यादा। तो देखिए, इस तरीके से अगर आपको नहीं चाहिए करारे तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें ये जो ऑयल मैंने डाला था आप नहीं डालेंगे, स्किप कर दीजिए, बट बहुत टेस्टी लगता है। एक बार इस तरीके से आटा लगाइएगा और थोड़ा थोड़ा करके आपको पानी को डालना है और आटे का एक बढ़िया सा डो लगा लेना है। डो आपको मुलायम रखना है, टाइट नहीं रखना है, क्योंकि हम ना पराठे जो है हमेशा हल्के हाथों से बेलते हैं। तो डो जब मुलायम होगा ना, आपका जो आटे का डो है वो मुलायम होगा, तो आप हल्के हाथों से जब उसे बेलेंगे ना तो बहुत ही अच्छे से आपका पराठा बेलेगा और बहुत ही बढ़िया होगा। तो ये देखिए, मैंने जो आटा लगाया है वो बहुत ही सॉफ्ट आटा लगाया है, ये देखिए। और अब हम हाँ फिलिंग रेडी करेंगे। तो ये देखिए, जो मैंने गोभी को घिस कर रखा था ये वो है। और इसमें हम ना डालेंगे प्याज, मैंने बारीक कट किया है इसे प्याज को। फिर साथ में डालेंगे धनिया पत्ता ढेर सारा, तो मैंने इसमें धनिया पत्ता डाला है। फिर इसमें डालेंगे तीखे के लिए हरी मिर्च, वो भी आपको छोटी छोटी चॉप करनी है। और फिर साथ में लिए कुछ मसाले जैसे कि नमक, अजवाइन, काली मिर्च और लिया है हल्दी और लाल मिर्च, तो कश्मीरी लाल मिर्च है। और इन सभी चीज़ों को डाल करके आपको मिक्स कर लेना है अच्छे से। और देखिए, जब आपको फीलिंग करनी हो ना तभी आपको ये सब चीज़ें मिलानी है, मसाले वगैरह, जिससे कि पानी कभी भी आपकी जो गोभी है वो नहीं छोड़ेगा। तो इस तरीके से मैंने इसका फीलिंग बहुत बढ़िया से रेडी कर लिया है और इसको कर लेंगे मिक्स, ताकि जो गोभी है उसमें सारे स्पाइसेस आपके मिल जाएं। और आपने देखा था कि मैंने आटे में भी नमक डाला था, इसलिए मैंने गोभी में नमक थोड़ा कम डाला है, जैसे कि नमक डालने से ना गोभी जो है वो ना पानी छोड़ने लगती है, इसलिए मैंने आटे में भी डाल दिया और डो में भी, तो बैलेंस एकदम बराबर हो जाएगा। और अभी आपको लेना है थोड़ा सा आटा, उसको गोल गोल एकदम लोई बना लेना है और उसकी बनानी है आपको रोटी। तो एकदम पतली सी रोटी बना लेनी है, जैसे कि आप नॉर्मल चपाती रोटी बनाते हैं उसी तरीके से। तो ये देखिए, मैं ना इसकी रोटी बना रही हूँ एकदम पतली सी, और मुझे ना 2 रोटी लगेगी एक पराठा बनाने के लिए। तो ये देखिए, मैंने इसको रोटी को बेल लिया है और मैंने इस ऐसी ही एक और रोटी बेली है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कितनी पतली है, कि आपको दिख रहा होगा कि ये ट्रांसपेरेंट सी भी लग रही है आपको सामने से। और ये देखिए कितनी पतली सी बनाई है, शीट जैसी मैंने, और दूसरी भी बेल लिया। और अभी मेरे को क्या करना है, किसी भी
किसी भी आपके घर में बाउल या फिर ढक्कन कुछ भी है ना, उससे ना कट कर लेना है। वो मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि ना दोनों रोटी का जो शेप है वो एकदम बराबर हो, क्योंकि बहुत मैडम मुझे इतना अच्छे से बेलना नहीं आता है, तो अभी कटोरे से किसी से कट कर दूंगी तो एकदम बराबर रहेगा। फिर अभी मुझे एक रोटी पे इसी सारी फीलिंग जो है उसको अच्छे से इसमें रखना है, अच्छे से खूब सारा भर भर के आपको जितना चाहिए पराठे में। तो आपने क्या करना है, मुझे ऐसे मैंने इसमें ऐसे रोटी के ऊपर सारी फीलिंग को बिछा दिया है एकदम। फिर उसके बाद आपको दूसरी रोटी लेनी है और इसको इसके ऊपर ढक देना है। ढकने के बाद इसके साइड वाले पोर्शन को आपको दबाना है, प्रेस करना है इसे पराठे के ऊपर अच्छे से। देखिए जैसे मैं हाथ से कर रही हूँ, फिंगर की मदद से आपको साइड वाला फिल करना है, और फिर इसे एक बार उठा करके थोड़ा सा परथन की छीट मार के और आपको इसे थोड़ा सा हल्का सा बेल लेना है। तो ये देखिए मैं आपको एक बार उठा के दिखा देती हूँ, ये बहुत जल्दी चिपक जाता है इजीली। और अभी हमें क्या करना है, थोड़ा सा आटा, इस सूखा आटा लेना है और फिर इसको हल्का सा बेल देना है ताकि जो दोनों पार्ट्स है ना वो अलग ना हो, इसीलिए। तो अभी मैंने इसको बेल दिया है अच्छे से, तो ये अलग नहीं होगी और बहुत ही बढ़िया हमारा खूब सारा फीलिंग भर के पराठा रेडी होने वाला है। तो ये देखिए बढ़िया सा पराठा बन गया ना, बेल दिया। अभी हम इसे सेकेंगे, तो हमें गैस को फ्लेम को ऑन करना है और तवा लेना है। अभी हमें तवे को अच्छे से गर्म होने देना है, फिर उसके बाद हम अपने पराठे को इस पे डाल देंगे। तो तवा गर्म हो चुका है, अभी पराठा हमने इसमें डाल दिया है। गैस के फ्लेम को आपको नॉर्मल रखना है और फिर उसके बाद पलटना है। तो देखिए तवा पे जो पराठा था वो थोड़ा थोड़ा सा सिक गया है। अब इसमें हम ऑयल, रिफाइंड घी कुछ भी आपको लगाना है वो लगा सकते हैं। तो मैं इसमें रिफाइंड ऑयल लगा रही हूँ, और ऊपर से बटर वगैरह लगाना है तो आप बटर लगा सकते हो, जो भी आपका मन करे। तो मैंने इस पे एक साइड से अच्छे से लगा दिया है, फिर इसे पलट लेंगे और दूसरी साइड से भी हमें अच्छे से ऑयल को लगा देना है। तो ये देखिए दूसरी साइड से भी हल्का हल्का सुनहरा हुआ था, और अब हमें दूसरी साइड से भी जो ऑयल है इसे अच्छे से लगा देना है। तो मैंने दोनों ही साइड ऑयल को लगा दिया है, अब इसे हमें अच्छे से पकाना है। तो अभी देखना हमारा कितना लाजवाब पराठा बनकर तैयार हो जाएगा। ये रेसिपी बैचलर्स के लिए है, जिन्हें पराठा अच्छे से भरने में प्रॉब्लम होती है, फट जाता है। इस तरीके से पराठे को भरेंगे तो बहुत अच्छे से बना पाएंगे आप पराठे को, कभी आपका पराठा नहीं फटेगा और ना ही उसकी फीलिंग जो है निकलेगी। और ऐसे दो पराठे खा लीजिए, एकदम पेट आपका फुल हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा पराठा कितना बढ़िया सा अच्छे से पक कर तैयार हो गया है ना, कितना, ये तो मुझे ऐसे ही टेस्टी लग रहा है। तो अभी देखिए मेरा पराठा बन के तैयार हो रहा है, तो इसे आपको अलट पलट करके दोनों ही साइड से अच्छे से सेक लेना है। जिस तरीके से मैं प्रेस कर रही हूँ इस कलछुल से, वैसे ही सेकना है। ये देखिए पराठा कितना बढ़िया तैयार हुआ है ना। तो चलिए आइए सर्व करते हैं। तो दही रखा हुआ था घर पे, मैंने इसे दही के साथ सर्व किया। आप चटनी, रायता या फिर अचार वगैरह के साथ सर्व करके खा सकते हैं। मैं आपको अंदर की फीलिंग दिखाती हूँ, ये देखिए कि फीलिंग कितनी ज्यादा भरी हुई है इसमें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग पराठे और वीडियोस लेकर आती रहूंगी। बाय बाय।